तो गाइस यहाँ पर हो चुकी है फूलों की बारिश, सभी भक्त जी ऑल ने आपका भाई दाजू। तो स्वागत है दोस्तों एक बार मेरे फिर से ही नए व्लॉग में। तो आज होने वाले भाई द्वार ओपन और मैं करने वाला हूँ बाबा जी के दर्शन। तो यहाँ पर मैं देखो कुछ ऐसा है, यहाँ पर पत्थर में कितना मस्त, और ये केदार घाटी को देखो ना गाइस कितना मस्त है ना। तो सुबह सुबह हम लोग आए थे यहाँ पर वॉशरूम के पास कि फ्रेश होने, और अभी हम लोग जा रहे हैं टेंट में वापस, और उसका लगते हैं लाइन पे, क्योंकि यार लाइन पे लगेंगे ना तभी टाइम पे नंबर आ पाएगा। सो गाइस यहाँ पर हमारा टेंट लगा था, तो यहाँ पर सभी यूट्यूब वालों का टेंट लगा था, तो हम लोगों ने भी यहीं पर लगा दिया। तो अभी चलते हैं भाई बाबा जी के द्वार पे, और बहुत सारी बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, पता नहीं कभी नंबर आएगा, बट दर्शन करके जाएंगे बाबा जी के। तो सामने देखो ना भाई मंदिर में कितनी भीड़ है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तो पूरा भरा पड़ा है भाई साहब। आइए दोस्तों आपको ले चलते हैं मंदिर की ओर और दिखाते हैं कार्यक्रम कैसा चल रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पर ना भाई हमारे पुष्कर धामी जी भी आ गए हैं, एक नंबर चल रहा है बाबा। सीएम पुष्कर धामी जी भी आ गए हैं, यहाँ पर गंदा ही चल रहा है रोड़ा रप्पा। ये देखो ना गाइस, चेक करो भाई जन्नत जन्नत, देखो गाइस जन्नत ना। तो गाइस जो आप मेरे पीछे पत्थर देख रहे हो ना गाइस, ये है भीमशिला पर पत्थर, इसी ने 2013 में हमारे मंदिर को बचाया था भाई महादेव जी के। तो अभी हम लोग तो यार अभी सौ सौ को बताऊंगा, क्योंकि यार फोन में ना बैटरी वैटरी बहुत कम है और दिक्कतें बहुत हो रही है गाइस। यहाँ पर ऊपर से चौपर आ चुके हैं और इसी में से फूलों की बारिश होने वाली है हमारे महादेव जी के ऊपर, तो आप लोग को पूरा नजारा दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए आप लोग, यहाँ पर हो चुकी है फूलों की बारिश सभी भक्तजनों पे ऊपर चौपर से। गाइस अभी हम लोग ना लाइन पे लगने वाले हैं, और लाइन पे देखो ना भाई साहब कितनी ज्यादा भीड़ है भाई, अब पता नहीं हमारा नंबर कहाँ से स्टार्ट हो गया यार। सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं भैरव मंदिर, जो कि काफी ऊपर है, क्योंकि यार अभी तो हम बहुत ज्यादा लाइन लगी है, तो इसलिए हमारा नंबर आना तो बहुत ही मुश्किल है वहाँ पे। तो हम लोगों ने सोचा कि यार भैरव मंदिर हो आते हैं। तो गाइस पिछले बार मैं आया तो था केदारनाथ, बट भैरव बाबा के मंदिर नहीं जा पाया था, शायद भैरव बाबा का बुलावा होगा इस बार, पहले मेरे दर्शन कर ले करके, तो इसलिए ऊपर ही जा रहा हूँ। तो यहाँ से चेक करो दोस्तों केदार घाटी, और बीच में हमारे महादेव बैठे हैं, और बर्फीली चोटियाँ यहाँ पर, और सामने भैरव देवता का मंदिर। तो चलते हैं दोस्तों, दूसरों का घर तोड़ेंगे खुद बनाएंगे, दूसरों का घर तोड़ के काम बनता है खुद का घर, सही बात। तो दोस्तों आप लोग ये देख रहे होंगे ना ऐसे करके, तो यहाँ पर जिसको अपना घर बनाना होता है वो ऐसे करके लगाता है, और काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम और धड़कने फूल गई हमारी। तो चलते हैं बाबा आगे की ओर, तो पहुँच चुके हैं मंदिर, मिल जाएगा अभी। तो आपको मैं ये चेक कराता हूँ पूरा सिनेमैटिक में, क्योंकि यार मेरे फ़ोन में स्टोरेज स्टोरेज बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसे सिनेमैटिक में चेक कराता हूँ, ठीक है। अभी तक मैंने आपको दिखाया भैरव देवता का मंदिर, अब मैं दिखाऊंगा आपको नीचे बाबा का धाम में क्या चल रहा है, और बाकी हम लोग क्या नंबर कब आता है भाई, ठीक है।
तो अभी चलते हैं नीचे की ओर, और ना बाकी यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है ना भाई, यहाँ से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ मैं आप लोगों को, बहुत भयंकर भीड़ हो रही है भाई। वैसे अभी मैं लगा हूँ भंडारे में और भूख भी लग चुकी थी, तो यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी है। बोलेगा भंडारा आर्मी मिलिट्री वालों की तरफ से, तो देखते हैं कैसा हो रहा है। लाखों की तादाद में भीड़ है, तो हमारा नंबर आना तो मुश्किल है क्योंकि आधे से आधे लोग यहाँ पर पास वाले हैं, बाकी आधा लोगों के सोर्स भी है, तो बाकी अपना सोर्स नहीं है यहाँ पर, तो आप लोग देख ही रहोगे भाई भीड़ इतने में हमारा नंबर कैसा आएगा भाई। और वैसे भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है ना भाई, लिटरली यार 2-3 दिन तक नंबर ही नहीं आने वाला है। मैंने कर दिया नीचे के लिए ट्रैक स्टार्ट, और यहाँ पर मार्केट में इतनी हड़ताल हो रही है भाई, एक दुकान नहीं खुली है देखो नीचे तक, तो हम लोग चलते हैं यहाँ नीचे, नहीं तो भूखे रह जाएंगे भाई। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर बेस में, अब केदार घाटी को करते हैं बाय बाय और चलते हैं नीचे की ओर, जय भोले की। तो हम लोगों ने आधा ट्रैवल कर लिया है और यहाँ पर होने लगी है बारिश बहुत भयंकर, मेरे को देख के लग ही रहा होगा आपको कि मैं कितना भीग गया हूँ, पीछे भी देख सकते हैं आप बहुत सारी बारिश से सभी श्रद्धालु लोग रुके हैं, बाकी आधा रास्ते में बैठे हैं यार अभी, तो देखते अभी क्या रहता है आगे का सीन शॉट, यार हालत ख़राब है गाइस। तो अभी हम लोग वडियार में रुके हैं, यहाँ पर देख लो आप लोग सभी लोग बारिश से बचने के लिए, तो यहाँ पर गाइस कते ही राड़ा रप्पा चल रहा है, और नीचे देखो ना भाई जनता आने में लगी है भाई, और बारिश से खचाखच हो गया है केदारनाथ का ट्रैक, तो देख ही रहोगे दोस्तों आप लोग।